आपको लग रहा रहेगा कि क्रोकोडाइल ही एक एनिमल है जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रोकोडाइल जो है पुरोसॉरस के बारे में जानने वाले हैं। पुरोसॉरस के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे से जुड़ी रहिए। मैं हूँ साइनर। मैं हूँ मामा। तो आज सभी का स्वागत है प्रैक्टिस चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हमें लगता है कि क्रोकोडाइल एक ऐसे एनिमल है जो अब तक एवॉल्व ही नहीं हुआ है। साइंटिस्ट इसे लिविंग डायनासोर ऐसे भी कहते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स में ही सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है पुरोसॉरस। तकरीबन 29 इयर्स पहले जब जुरासिक पार्क का एंड एरा चल रहा था, तभी ही यह पुरोसॉरस ब्राजील में रहता था। यानी कि साउथ अमेरिका का जो ब्राजील है, ब्राजील के जो महा रिवर्स है उसमें ही यह पुरोसॉरस रहता था। अब तक गिनीज रिकॉर्ड में सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है 22 फीट, लेकिन यह पुरोसॉरस 42 फीट का है, यानी कि आज के क्रोकोडाइल के डबल। आप सोचते रहेंगे इसको पुरोसॉरस ऐसे नाम क्यों रखा है, क्योंकि ब्राजीलियन लैंग्वेज में पुर मतलब रिवर और सॉरस मतलब रेप्टाइल, यानी कि रिवर रेप्टाइल। यह पुरोसॉरस तकरीबन 3000 केजीज रहता है। आप देख सकते हो कि पुरोसॉरस की स्कल और आज के क्रोकोडाइल की स्कल में कितना डिफरेंस है और पुरोसॉरस का स्कल कितना बड़ा है। जब भी डायनासोर्स नहीं रहते थे तभी यह पुरोसॉरस यह दुनिया में राज कर रहा था। और आपका एक शॉकिंग न्यूज है जो है, 20 इयर्स पहले ही यह रेप्टाइल का टाइप खत्म हो गया था। यह पुरोसॉरस ज़्यादातर रिवर साइड में ही रहता है। यह पुरोसॉरस डेली 40 केजी मीट खाता है जो इसका एक डेली रूटीन है। यह पुरोसॉरस आज के क्रोकोडाइल से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर एक क्रोकोडाइल को आँख से मुंह के टिप तक बहुत डिस्टेंस रहता है और आगे का टिप बहुत शार्प रहता है, सो इजीली जाकर वह प्रे को हंट कर सकता है। लेकिन यह पुरोसॉरस को आँख से मुंह के टिप तक कम डिस्टेंस है और उसका मुंह का टिप भी शार्प नहीं बल्कि ब्लंट है, जो उसे प्रे को हंट करते वक्त ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। और इसके दांत भी उतने शार्प नहीं रहते बल्कि थोड़े ब्लंट रहते हैं, जो उसे ग्रिप पकड़ने में हेल्प करती है। और पुरोसॉरस के जो आगे की टीथ है वह थोड़े अंदर के साइड में बेंड हुए रहते हैं, ताकि वह जो एनिमल को मुंह के अंदर डाल लेता है वह बाहर वापस ना जा पाए। और इसके दांत से वह ग्रिप ही नहीं बल्कि कोई भी एनिमल का बोन्स को आसानी से तोड़ सकता है। क्या आप पूछ रहे हैं कि इसका बाइटिंग फोर्स कितना है? तो इसका बाइटिंग फोर्स है टीरेक्स के बाइटिंग फोर्स से भी डबल गुना ज़्यादा ताकतवर। तो है ना ये बहुत स्ट्रांग। तो इसके सामने अगर हम जाएंगे तो हम पक्का चटनी हो जाएंगे। आज के जो क्रोकोडाइल्स है वह जो एनिमल को हंट करते हैं वह एनिमल को पटक से नहीं खाते, क्योंकि उनके हाथ भी छोटे और उन्हें टंग भी नहीं है। इसीलिए इस टाइम में क्रोकोडाइल्स एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं जो है डेथ रोल। यह डेथ रोल जब भी परफॉर्म होता है तभी क्रोकोडाइल वह एनिमल के कोई भी पार्ट को बहुत ग्रिपली पकड़कर घूमना चालू हो जाता है, जिसके कारण वह मीट जल्दी फट जाता है और क्रोकोडाइल भी उसे आसानी से खा जाता है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद पुरोसॉरस ने भी यह डेथ रोल को यूज़ कर ही एनिमल्स को हंट किया रहेगा, क्योंकि पुरोसॉरस का बाइटिंग फोर्स और ग्रिपिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए पक्का पुरोसॉरस ने यह टेक्निक को यूज़ किया रहेगा। पुरोसॉरस आराम से छोटी छोटी चीज़ों को खा सकता है। और जिस एरा में पुरोसॉरस था, हमें यह भी प्रूफ है कि जब भी पुरोसॉरस यह धरती में था तभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ टोर्टोइस भी थे। और यह हमें पता चलता है टोर्टोइस को शेल्स को देखकर, जैसे टोर्टोइस के शेल्स पर पुरोसॉरस का बाइट मार्क्स है। और ऐसे भी कहा जाता है कि पुरोसॉरस ने बहुत सारे टोर्टोइस को खाया है। आजकल के एवरेज क्रोकोडाइल भी टोर्टोइस को खा जाते हैं।
सो पुरोसोरस को यह बहुत एक आसान टास्क रहेगा। और हमें ऐसे एक न्यूज़ भी मिला है कि यह पुरोसोरस एक ओमनिवर है। ओमनिवर यानी कि जो एनिमल मीट को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है। तो आप सोचते रहेंगे क्या पुरोसोरस बाहर आकर प्लांट को खाकर जाता है? नहीं, पुरोसोरस सी के अंदर जो जो वीड्स और स्पॉन्ज है उसे ही खाता है। और यह पुरोसोरस ने ज़्यादातर फिशेस को ही खाया है। बिना फिशेस यह पुरोसोरस मर जाएंगे। यह पुरोसोरस जमीन में बहुत तेज नहीं भाग सकता, बस यह 5-6 किलोमीटर पर हारी चल सकता है। लेकिन पानी के अंदर यह पानी का राजा है और कोई भी एनिमल इसके पंजे से नहीं बच सकता। जब भी पुरोसोरस का एरा था तभी पुरोसोरस ही सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था, इसीलिए बाकी सारे एनिमल्स से इसका हैबिटेट बहुत अलग है। और इसीलिए तभी पुरोसोरस 40 फीट जितना बड़ा हुआ था। आप सोचते रहेंगे कि कैसे पुरोसोरस यह धरती से चला गया? वेल, इसका भी रीज़न नेचर है, क्योंकि जो जो मेगा क्रिएचर्स होते हैं वह एकोसिस्टम पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन जब भी एकोसिस्टम में चेंज आ जाता है तभी इनका पूरा हैबिट भी चेंज होता है, इसीलिए यह थोड़े थोड़े करके मरने लग जाते हैं। और ऐसे एक बड़े चेंज की वजह से ही 20 ईयर्स पहले यह पुरोसोरस सब मर गए। और पुरोसोरस मरने का एक मेन रीज़न है एंडीज माउंटेंस, क्योंकि एंडीज माउंटेंस बड़े बड़े रिवर्स के ऊपर ही फॉर्म हुआ है। इसीलिए ऐसे भी कहा जाता है कि ज़्यादातर पुरोसोरस एंडीज माउंटेन के नीचे दब गए हैं। अगर यह चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होते तो अब तक आप पुरोसोरस को देख सकते हो। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि क्रोकोडाइल्स फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं। सो जब भी हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे चेंज आ रहा था तभी सारे पुरोसोरस सी में चले गए। तो अब तक साइंटिस्ट मानते हैं कि पुरोसोरस अब तक सी में ही रह रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और भूलना मत हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ब्लॉगस्पॉट पेज को भी फॉलो करना। बाय। तो अगली वीडियो में और एक अच्छी जानकारी में मीट करते हैं।